यहाँ पर कैसे घटना हुई सर? घटना तो पुराना मकान था, वर्षा धड़धड़ा कर गिर गया। किनका किनका देहांत हुआ है इसमें? माँ बेटी और नतनी। किनके घर में हुआ है? सुरेंद्र चौधरी। सुरेंद्र चौधरी ये कौन सा गांव हुआ? ग्राम पतेली पूर्वी टोला धमवा। आपका नाम सर? हमारा चंद्रभूषण से पड़ोसी हुए बगल। अच्छा अच्छा, तो ये मतलब क्या पानी जल जमाव के कारण हुआ है ना क्या? प्रशासन लोग आए हैं? कितना आए हुए लोग? हो गया कहीं ठाकुरबाड़ी में कहीं समय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। मिला है कि विशेष बात आप लोग ने? हिंदू धर्म हम कहेंगे बस विवाह धर्म कहता है। हम ब्राह्मण है, ब्राह्मण की जो धर्म है, जो धर्म है उसको धर्म होना है बस। और ये सब फोका सब क्या है? सब की क्या जरूरत है? शांत रहो, तू जो अभी घर में रहना ही नहीं। बारे में क्या सब जाने? अभी हमको तो लोगों से पता चला, अभी जब यहाँ आए हैं स्पॉट पर, तब मालूम पड़ा उनका जो घर था आंगन का, देहरी पर तीनों बच्ची सो रही थी। इनकी पत्नी सुरेंद्र चौधरी इनका नाम था, बलेश्वर चौधरी इनके पिताजी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्हीं के छोटे लड़के थे। और दीवार जो है, घर का दीवार जो है अचानक गिर जाने के कारण तीनों वहीं सोया हुआ था। तीनों का मौत वहीं पे हो गया। सुरेंद्र चौधरी से जानकारी मिला कि दरवाजे पर सोए हुए थे, इनको पता नहीं चला कि जब सुबह में नींद खुलाए तब ही देखे कि यहाँ पर घटना घटा हुआ है। एक नतनी थी इनकी, एक पत्नी थी और एक जवान लड़की थी। तो इनकी मुआवजे की लेकर के क्या अभी तक मुआवजा इनको मिलना चाहिए? इनको लोग स्वतंत्रता सेनानी इनके पिताजी थे, इन लोग को कहीं कुछ इन लोग का आमदनी का स्रोत था, खेती बाड़ी है। इनको कम से कम 20,000 रुपया जो ब्लॉक से मिलता है, इनको है तीनों को मिलना चाहिए ब्लॉक से 20,000 रुपया। और 4 लाख की जो मुआवजे, 4 लाख रुपया जो आपदा प्रबंधन से आता है वो भी इनको मिलना चाहिए। आपका परिचय सर? मेरा परिचय पतेली पश्चिमी पंचायत के पूर्व मुखिया पति है।